अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है निकल कर कुवैत से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और काफ़ी बड़े बड़े मुखालफे दिए जा रहे हैं, और अलग जो अब बड़ी अपडेट हैं वो चेकिंग वगैरह के हवाले से आ रही हैं, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो फ्राइडे मार्केट आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग उधर जाते हैं और चीज़ें खरीदारी वगैरह करते हैं। लेकिन अभी जो है फ्राइडे मार्केट के अंदर, जैसे ही एक तरफ से पुलिस एंटर करती है तो दूसरी तरफ से लोग भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं, और वो लोग होते हैं या तो किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी करते हैं या फिर जिनके पास में कामा सिविल आईडी कार्ड नहीं है। तो अगर आप कहीं घूमने फिरने कहीं पर भी ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना कामा सिविल आईडी कार्ड ज़रूर रखें, और अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से जो भी रोड पर स्टैंड वगैरह करते हैं, गाड़ी घोड़ा गलत तरीके से चलाते हैं, चाहे वो नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, कैसी भी हो, तो अभी गवर्नमेंट ऐसी गाड़ियों को जब्त कर रही है और उनका जो है कछुमण बना रही है, मतलब उनको तोड़फोड़ जो भी मॉडिफाई वगैरह किए हुए होते हैं तो उनको जो है पकड़ने के बाद में बड़े बड़े मुखालफे दिए जा रहे हैं, चाहे वो कैसी भी गाड़ी हो, प्रवासी हो, कुवैती नागरिक हो, कोई भी हो, जो दूसरे लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इस तरीके से मेन रोडों पे स्टैंड वगैरह कर रहे हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े मुकदमे लगाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत में अभी चेकिंग चल रहा है, हालांकि ये जो चेकिंग है अभी थोड़ा हल्का है, लेकिन जैसे ही 17 जून आ जाएगी उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी इसमें, और अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और ऐसे लोगों पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जाएगी जो लोग इलीगल हैं या फिर किसी भी तरीके से भनक लगती है कि इस जगह पे लोग इलीगल रह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी जो है नॉर्मली चेकिंग चल रहे हैं, लेकिन 17 के बाद में जो छूट अभी चल रही है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई भी फायदा फिर नहीं ले पाएगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री का कहना है कि हम बड़े बड़े जो है अभियान चलाएंगे और उसमें पूरे तरीके से, चाहे वो कंपनी हो, शॉपिंग मॉल वगैरह हो, या फिर कहीं पर भी काम काज करने वाले जो लोग रहते हों, रिहाइश वगैरह जहाँ पर भी हों, मैं बिल्डिंग वगैरह पूरे तरीके से छानबीन करेंगे, और जो भी इलीगल बंदे रहेंगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ज़रूर जो है 17 जून से पहले पहले अगर आप एक इलीगल हैं तो उसका फ़ायदा लें छूट का जो अभी चल रही है, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत के बारे में, जो कि मैंने आप तक तो शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और जितना हो सके कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ पर आप रहते हैं अभी फिलहाल में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।